प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। अपन लोग पिछले कई हफ्तों से यूहन्ना की पहली पत्री पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज फिर से उसी को खोल लीजिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, पांचवा पद। लास्ट टाइम हमने पांचवें पद का अध्ययन किया था, आज पांच से आरंभ करके आगे बढ़ेंगे। जो समाचार हमने प्रभु से सुना और तुमको सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि प्रभु के साथ हमारी संगति है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इतना हमने पिछले हफ्ते कवर कर लिया था, जो हमें ये बात याद दिलाता है कि जैसा हम बोलते हैं या जैसा हम दावा करते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। आपने कभी देखा है क्या कि बाल काला होने की दवाई कोई बेच रहा है और उसके सारे बाल सफ़ेद हैं, या गंजा हो बाल उगाने के लिए कोई जो है दवा बेच रहा है लेकिन उसके सर के ऊपर एक भी बाल नहीं है? आप ऐसी दवा खरीदेंगे क्या? हम तो सीधे सीधे पूछेंगे कि भैया ये बाल काला करने की जो दवा है इससे तुम पहले क्यों नहीं काला कर लेते, या बाल उगाने की दवा है तुम क्यों नहीं पहले बाल उगा लेते। उसी तरह से जब मैं और आप दूसरों से कहते हैं कि हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं, प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, तो वे लोग तुरंत देखेंगे कि अच्छा तुम प्रभु यीशु के ईसा मसीह के अनुयायी हो। ईसा मसीह तो जगत की ज्योति थे। मालूम है आज सारी दुनिया में सिर्फ मसीही लोग नहीं, सब लोग प्रभु यीशु को जगत की ज्योति के नाम से जानते हैं। जनरल नॉलेज की किताब आप उठा लें तो उसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उसमें प्रभु यीशु का नाम है जगत की ज्योति। तो लोग तो तुरंत पूछेंगे कि अच्छा तुम ईसा के अनुयायी हो, जगत की ज्योति है, तुम्हारे जीवन में तो भैया अंधकार ही अंधकार है, तो किस तरह के शिष्य हो? उसी तरह से मान लो इलाज के लिए जा रहे हैं, इलाज के लिए मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पता चला कि डॉक्टर को तो 103 डिग्री का बुखार है और सर के ऊपर जो है वो आइस कैप रखे हुए है, मुंह में थर्मामीटर लगा हुआ है, खांसता भी जा रहा है, बड़ी हालत ख़राब हो रही है, ऐसे डॉक्टर से कोई इलाज करवाएगा क्या? नहीं। आत्मिक जीवन में जब हम अपने जीवन के बारे में ये दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, तो दुनिया हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, दुनिया हमसे कुछ उम्मीद करती है, और जब उस उम्मीद के अनुसार हमारे अंदर व्यवहार नहीं दिखता तो दुनिया का पहला प्रश्न होता है कि भैया तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम कहते हो कि तुम असली हो
लेकिन तुम्हारे व्यवहार में तो तुम्हारा व्यवहार नकली है। इस प्रश्न से हम आगे बढ़ेंगे, मतलब इस प्रश्न से आरंभ करके हम आगे बढ़ेंगे। और प्रश्न यह है कि प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मैं और आप अपने जीवन में जो दावा करते हैं, हमारा जीवन उस दावे के अनुसार है क्या? आप कहेंगे कि हम तो कोई दावा ही नहीं करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि सब सुन लिया आपने और उसके बाद जो है प्रभु यीशु से दूर 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 खड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि आपको नए जीवन की जरूरत है, लेकिन नए जीवन से दूर खड़े हुए हैं। मेरा प्रश्न है, जब सब जगह भूखमरी है, सब जगह खाने के लाले पड़ रहे हैं और कोई व्यक्ति आकर फ्री फंड में खाना बांट रहा है, कितने लोग हैं जो कहेंगे नहीं नहीं फ्री फंड में बट रहा है, हमको नहीं चाहिए। भूख लग रही है लेकिन फ्री फंड में बट रहा है तो हमको नहीं चाहिए, कोई कहेगा क्या? नहीं कहेगा। उसी तरह से हम में से हर व्यक्ति को नए जीवन की जरूरत है, नव जीवन की। हम में से हर व्यक्ति को शाश्वत जीवन की जरूरत है। और जब प्रभु यीशु कहते हैं कि बच्चों, बेटों, बेटा, बिटिया, मेरे पास आओ, मैं तुमको शाश्वत जीवन दूंगा, तुमको शाश्वत जीवन देने के लिए तो मैं मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया, तुमको शाश्वत जीवन देने के लिए तो सूली पर मैंने अपना जीवन बलिदान के रूप में अर्पित किया। और यदि हम कहें कि नहीं प्रभु, आपने बलिदान के रूप में अर्पित किया, मैं तो शाश्वत मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, मुझे शाश्वत जीवन नहीं चाहिए, किस तरह का व्यक्ति है जो इस तरह का प्रस्ताव करता है? कौन व्यक्ति है जो इस तरह का प्रस्ताव करता है, जो मानसिक रूप से जो है जिसका संतुलन नहीं है, जो पागल है? पागल ही व्यक्ति है जब भूख लग रही है, खाना बट रहा है और वो भी दुनिया में सर्वोत्तम खाना, और उसको लात मार के अलग हो जाता है। तो आज यहाँ जितने एकत्रित हुए हैं भाई बहन, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम में से हर व्यक्ति को शाश्वत जीवन की जरूरत है। प्रभु यीशु वह शाश्वत जीवन आपको एक गिफ्ट के रूप में, एक तोहफे के रूप में दे रहे हैं। प्रभु ने कहा था, बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी भूख तृप्त करूंगा, मैं तुम्हारी प्यास तृप्त करूंगा, मैं तुमको शाश्वत जीवन दूंगा। और ये सुनने के बावजूद यदि हम शाश्वत जीवन को लात मार के अलग हो जाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में कोई तो भी कमी है, घटी है, और हमसे ज्यादा अभागा कोई नहीं होगा। प्रभु यीशु ने एक बार एक कहानी सुनाई थी। कहानी इस तरह से है, शहर का जो नगर सेठ था, सबसे धनी आदमी, नगर सेठ ने एक बहुत बड़े खाने का, एक बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया और शहर के बड़े बड़े लोगों को उसने बुलाया। भोजन का समय आया तो कोई भी अतिथि नहीं है। नगर सेठ ने नौकरों से कहा कि जाके पूछो कि क्या है, क्यों नहीं आए? तो एक ने कहा कि मैंने जो है शादी कर ली है, मेरे पास टाइम नहीं है। एक ने कहा कि मैंने बैल खरीदे हैं, मैं जरा देखने जा रहा हूँ। एक ने कहा कि मेरे साथ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। नगर सेठ इस बात को समझ गए, सब के सब नालायक और निकम्मे हैं और बहाना बना रहे हैं। नगर सेठ बहुत नाराज हो गया। उसने अपने दासों से कहा कि जाओ घर के बाहर, जाकर गलियों में, सड़कों में जो भी मिल जाए, अमीर गरीब, लाचार भिखारी, अंधा लंगड़ा लूला, सबको पार्टी में ले आओ।
नौकरों ने बिल्कुल वैसा ही किया, जाकर शहर भर में जितने अभागे और जितने गरीब मिले सबको उस अरब पति नगर सेठ के घर में खाने के लिए ले आए। उस समय का एक कायदा था, यदि कोई व्यक्ति एक धनी के घर में खान पान के लिए जाता था, नेवते पर जाता था, तो जब वो दरवाजे पे पहुंचता था तो वहाँ तमाम गुलाम खड़े रहते थे, वे लोग उस व्यक्ति का पैर धुलवाते थे। पैर धुलवाने के बाद जब वो आगे बढ़ता था तब उसको एक बहुत ही उम्दा, आकर्षक, महंगा कपड़ा पहना देते थे। मतलब उसका अपना जो गरीब का कपड़ा है उसके ऊपर ऊपर से लेकर नीचे तक का एक ओवरकोट पहना देते थे, जिससे कि वो क्या है ये दिखाई ना दे, बल्कि ये दिखाई दे कि वो क्या बन गया है। नगर सेठ जो कपड़े पहनकर पार्टी में आता है, वही कपड़ा आने वाले हर अतिथि को पैर धोने के बाद पहना दिया जाता था। उस समय का कायदा था, जब पार्टी आराम से चलने लगी तो नगर सेठ निकल कर आए, एक एक को देखा, लोगों से बातचीत की, सब लोगों ने झुक झुक के दुआ सलाम किया। जाते 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 एक आदमी जो है जैसा नंगा आया था नंगा ही बैठा हुआ है। नगर सेठ ने उससे पूछा कि दोस्त, विवाह का वो दोस्त, भोजन का वस्त्र कहाँ है? भोजन के लिए जो विशेष वस्त्र है वो कहाँ है? वो कह सकता था कि प्रभु मालिक, मैं तो नंगा ही रहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खाना खा सकूं, तो कपड़े पैसे पहनूं कैसे पहनूंगा। उसने ये जवाब दिए क्या? नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है कि उसकी बोलती बंद हो गई। बोलती क्यों बंद हो गई? इसलिए कि उसे कपड़े का, इस भोजन के लिए जिस तरह का विशेष वस्त्र पहनना चाहिए, उस वस्त्र का इंतजाम उसे अपने आप नहीं करना था, उसे अपने पैसों से नहीं करना था, उसे तो दरवाजे पर जब आया तभी दे दिया गया था। लेकिन उसने उसको जो विशेष वस्त्र दिया था उसकी उपेक्षा की और ठस लिया पार्टी में। हम में से कई लोग आत्मिक जीवन में बिल्कुल इसी तरह से हैं। जब इस तरह की सभाएं होती हैं तब सभा में आते हैं, सबके साथ गा लेते हैं, सबके साथ बात कर लेते हैं, और हम अपने आप को यकीन दिला ले अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि हम अंधे कंगाल नंगे नहीं हैं। लेकिन दरअसल प्रभु के द्वारा दिए गए आत्मिक वस्त्रों को हमने धारण नहीं किया है, या उसको सही रीति से उसकी व्याख्या की जाए तो हम सब सुन लेते हैं, सुनने के बाद चले जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा जो शाश्वत जीवन है उसको हमने प्राप्त नहीं किया है। तो आज शाम को यहाँ जितने भाई और बहन बैठे हैं उनमें दो कैटेगरी के, दो विभाग के लोग हैं। आप किस कैटेगरी में हैं ये आपको निर्णय करना है। एक वह कैटेगरी है, वह समूह है जिसने आज से हफ्ते भर पहले, साल भर पहले या कई सालों पहले इस बात को पहचाना, मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना जीवन बलिदान किया, और इसको पहचान कर प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। आज यहाँ जितने बैठे हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले संडे जितने भाई बहन आए थे
उसमें से एक युवा भाई ने आकर स्पष्टतया मुझे बताया कि शास्त्री अंकल, मैं पापी हूँ और मैं प्रभु यीशु के द्वारा जो शाश्वत जीवन है वो पाना चाहता हूँ। उसने यहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना की। आज वो नौकरी पे है इसलिए आ नहीं पाया है, लेकिन जब वो आएगा तब वो यहाँ आप लोगों के सामने खड़े होकर अपनी गवाही देगा। तो इस सभा में जितने लोग आते हैं उनमें सबसे आखिर में शाश्वत जीवन उसने पाया है। सबसे पहले किसने पाया है? मैंने। मैं आप सबसे उम्र में सीनियर हूँ। आज से लगभग 65 साल पहले, जब आप में से कई तो पैदा ही नहीं हुए थे, ज़्यादातर पैदा नहीं हुए थे, उस समय मैंने अपने पिताश्री के सामने घुटने टेक कर प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ और मुझे मालूम है कि मैं पापी हूँ, इसलिए शाश्वत अंधकार, मेरा भविष्य जो है वो शाश्वत अंधकार है। मैं इस बात को पहचान गया हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए सूली पर अपना जीवन दिया है। आज मैं प्रभु यीशु से विनती करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ, मुझे शाश्वत जीवन मिला। दो उदाहरण मैंने बताए। इस ये जो समूह यहाँ प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, इसमें जिस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रभु को ग्रहण करके शाश्वत जीवन पाया वो मैं हूँ, और इसी सभा में जिसने सबसे आखिर में शाश्वत जीवन ग्रहण किया उसने पिछले हफ्ते प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर अपने पापों को मानकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाकर शाश्वत जीवन पा लिया। लेकिन अभी भी मेरा अनुमान है कि इस समूह में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में ये अनुभव नहीं किया है। उसका मतलब है कि ये समूह दो भागों में बटा हुआ है। बच्चों की बात छोड़ दें, हमारे बीच में एक बच्चा खेल रहा है, वो अभी कुछ भी नहीं समझता है, उनको छोड़ दें। उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं वे दो समूहों में बटे हुए हैं। एक मेरे जैसे लोग जिन्होंने शाश्वत जीवन पा लिया है, एक ऐसे लोग जो शाश्वत जीवन के बारे में सुन सुन के अभी भी बैठे हैं। मेरे जैसे लोग हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपने शाश्वत जीवन पाया है? जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि मैं एक मसीही हूँ, एकदम से उसका रिएक्शन क्या होता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? अच्छा, मसीही हो, बात तो जो है लुच्चे लफंगों के समान करते हो, कैसे मसीही हो? मैंने कई लोगों के बारे में इस तरह के कमेंट सुने हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम कहें कि प्रभु के साथ हमारी सहभागिता है लेकिन अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। दुनिया इस बात को जानती है, दुनिया हमको देखती है, और जब हमारा नाम आता है तब हमारे बारे में उनकी राय क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, हम में से हर व्यक्ति को ये बात जांच लेनी चाहिए। मैं जिस पड़ोस में रहता हूँ वहाँ मेरे बारे में पड़ोसियों की क्या राय है, मेरी जुबान के बारे में पड़ोसियों की क्या राय है, मेरे व्यवहार के बारे में पड़ोसियों की क्या राय है, मेरे जीवन के बारे में क्या राय है, मेरे घमंड के बारे में क्या राय है। यदि वो कहें कि भैया वो तो घमंडी है, उसकी जुबान जो है वो सांप की जुबान से भी ज्यादा जहरीली है। यदि वो कहें कि दिखावा तो बड़ा करता है लेकिन जीवन में कुछ नहीं है, या हिंदी में एक जो कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान, कि नाम तो बहुत है लेकिन पास जाके देखो तो एकदम फीका ही फीका है, इस तरह से कहेंगे? या वो ये कि अच्छा वो, अरे वो तो गजब का व्यक्ति है, उसका जीवन, उसकी वाणी, उसका व्यवहार अद्भुत है, क्या कहेंगे?
तो यहाँ जितने भाई बहन आए हैं उनमें से जिन लोगों ने शाश्वत जीवन पा लिया है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या गवाही है? आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, या आप जब बाजार निकलते हैं तब बाजार में आपके बारे में लोगों की क्या राय है? प्रभु का वचन कहता है कि यदि आप कहें कि हम प्रभु यीशु की संतान हैं लेकिन आपका जीवन अंधकार से भरा है, तो लोगों की तो राय यह होगी कि भैया ये सब दिखावा करता है, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु की नज़र में भी मैं और आप झूठे हैं। आज संध्या के समय हम में से हर व्यक्ति को अपने आप को, हर व्यक्ति अपने आप को जांच ले कि मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ मेरी क्या गवाही है। लेकिन जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं पाया उनसे मेरा प्रश्न है कि भैया रोशनी है और प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ बेटा, मेरे पास आओ पुत्र, मेरे पास आओ पुत्री, तुम्हारे जीवन में जो अशांति है उसको मैं शांति में बदल दूंगा, तुम्हारे मन में जो भय है, भविष्य के बारे में जो भय है उस भय को मैं दूर कर दूंगा, मैं तुमको अपना बेटा या बेटी बना लूंगा, उसके साथ वो भय दूर हो जाएगा, शाश्वत जीवन तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनने के बावजूद यदि हम उस शाश्वत जीवन को प्राप्त नहीं करते हैं तो हमसे अधिक अभागा नंगा और कोई नहीं होगा। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। आगे प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, जैसा प्रभु ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु के परिवार में जन्म लिया है तो हमारे चाल चलन में ही दिख जाता है कि ये फलाने परिवार का है। आपने देखा होगा कई बार किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अचानक लगता है अरे ये तो फलाने का बेटा मालूम पड़ता है, या ये तो फलाने की बिटिया मालूम पड़ती है, या ये फलाने का भाई मालूम पड़ता है। क्यों? जब हम एक परिवार में जन्म लेते हैं तब कई बार परिवार में जो पिता है या जो माता है या बड़ा भाई है बड़ी बहन है, देखने में हम उन्हीं के समान होते हैं। इसी तरह से जब हम आत्मिक परिवार में जन्म लेते हैं तो उस आत्मिक परिवार के मुखिए के समान हमारा स्वभाव होगा। और मुखिए का मुखिए मतलब प्रभु यीशु। प्रभु यीशु का स्वभाव क्या था? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु की बहुत बड़ी विशेषता थी, उन्होंने इवन अपने दुश्मनों से प्रेम किया। याद है जब उनको उनके दुश्मनों ने धोखे से गिरफ्तार करवा लिया और धोखे से जब प्रभु यीशु की हत्या करवा दी तब सूली पर टंगे हुए जब लोग प्रभु यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, उपहास कर रहे थे, तब प्रभु यीशु ने एक वाक्य, एक विशेष वाक्य, एक्चुअली सूली पर प्रभु ने 7 बातें कही थी जिनमें सबसे आखिरी बात है, पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। उसके पहले प्रभु ने 6 बातें कही थी जिनमें एक वाक्य है, हे पिता उनको क्षमा कर दीजिए, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने मुझे सूली पर चढ़ाया है वे अंधे हैं और इस कारण उनको नहीं मालूम कि वे संसार के
सृष्टिकर्ता को सूली पर चढ़ा रहे हैं। संसार का सृष्टिकर्ता मनुष्य रूप में इस संसार में पधारे, मनुष्य रूप में जब इस संसार में पधारे तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं के कारण उनका धंधा बंद हो गया। धर्म के नाम पर उस समय काफ़ी लोग धंधा करते थे। याद है एक बार मंदिर में घुसकर वहां तमाम जो धंधा कर रहे थे सबको मार मार के प्रभु ने बाहर कर दिया था। वो तो वहां तो बहुत बेईमानी होती थी। वो लोग प्रभु के सामने जो अर्पण करना चाहते थे, यदि बाजार में सर्वोत्तम क्वालिटी की कीमत 1000 रुपया हो तो भी आप उसे खरीद के मंदिर नहीं ला सकते थे। क्यों? मंदिर जो लोग चलाते थे, जो उन लोगों का कहना था कि नहीं नहीं मंदिर के अंदर जो बेचा जा रहा है वही खरीदना है। तो बाहर सर्वोत्तम जो है वो 1000 रुपये में मिल रहा है, अंदर सबसे रद्दी जो है वो 2000 में मिल रहा है। इसलिए प्रभु ने उनको मार मार के बाहर कर दिया था। और तभी उस मंदिर को चलाने वाले यहूदी पंडे पुजारियों ने यह डिसाइड कर लिया था कि इस आदमी की हत्या करनी है। वे लोग ये भूल गए कि इस मंदिर में वे जिस व्यक्ति की आराधना कर रहे हैं वही व्यक्ति है जो मनुष्य रूप में उनके सामने आकर खड़े हुए हैं। इसलिए यहूदियों के पंडे पुजारियों ने प्रभु यीशु की धोखे से हत्या करवा दी। उस समय जो जज था पिलातुस नाम का, उसने साफ साफ कहा कि यह व्यक्ति निर्दोष है। तो उन लोगों ने उसको भी धमकी दे दी कि अच्छा निर्दोष है तेरे हिसाब से, अभी देखते हैं, या तो सूली पर चढ़ाओ या तेरी नौकरी जाती है। वहाँ बड़ा ये शक्ति संतुलन का खेल था। तो आदमी डर गया। उस समय का अपन इतिहास पढ़ते हैं तब पता चलता है कि उस समय का जो जज था पिलातुस, वो बहुत मुश्किल से उस पोजीशन में आया था। और उस पोजीशन में जो भी आता था वो खूब पैसा बना लेता था। तो वो समझ गया कि यदि इन नालायक निकम्मे कमीनों की बात ना सुनो ना मानो तो अपनी नौकरी जाती है, उसके साथ अपनी रोजी रोटी जाती है। तो इसलिए उसने कह दिया अच्छा ठीक है, निर्दोष है तो निर्दोष है, मेरी बला से ले जाके सूली पे चढ़ाओ। ऐसा ही उन्होंने कहा। पहले तो पानी मंगाया, उसमें हाथ धोया और बोला कि ये आदमी जो है यदि निर्दोष है तो उसको सूली पे चढ़ाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उसके बाद यहूदियों के पंडे पुजारियों से कहा कि भैया ले जाके तुम सूली पे चढ़ाओ, कुछ भी करो मेरी बला से। किया किसने? यहूदियों के पंडे पुजारियों ने। उन निकम्मे धोखेबाजों कमीन लोगों के बारे में प्रभु यीशु ने सूली पर से प्रार्थना की, हे पिता इनको क्षमा कर दीजिए, उनको नहीं मालूम कि वे क्या कर रहे हैं, उनकी आंखें अंधी हो गई हैं और इसलिए वे नहीं जानते कि संसार के सृष्टिकर्ता की हत्या कर रहे हैं। यह है प्रेम। प्रेम का मतलब, हम लोग प्रेम बहुत, हमारी जो परिभाषा है वो बहुत नैरो है, बहुत तंग है। जब हम किसी व्यक्ति को वो जो कर रहा है उसका बदला नहीं देना चाहते, वो भी उस व्यक्ति से प्रेम है। और इसलिए जब प्रभु ने कहा कि पिता इनको क्षमा कीजिए क्योंकि उनको नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, तो वो प्रभु यीशु अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे। उसके आधार प्रभु ने कहा था मैंने जिस तरह से तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। मतलब तुम अपनी तरफ से मेरे विरुद्ध दगाबाजी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, इवन मेरी हत्या करवा रहे हो, लेकिन मैं तुमको क्षमा कर रहा हूँ। यह है असली प्रेम। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम
उस प्रभु के साथ प्रेम करते हैं, रखते हैं, उस प्रभु के साथ संगति रखते हैं, तब एक दूसरे से भी संगति रखते हैं। सातवें पद में हम पढ़ते हैं, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। प्रभु यीशु की ज्योति में जिस व्यक्ति ने प्रवेश कर लिया, उस व्यक्ति के जीवन में कई बातें दिखनी चाहिए, जिनमें से एक बात है एक दूसरे के साथ संगति। हम इस बात को जानते हैं कि बिना प्रेम के संगति नहीं हो सकती है। तो जब यहाँ लिखा है कि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से संगति रखते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और एक दूसरे से जो प्रेम है वो दिखेगा। प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छुपा सकें, प्रेम ऐसी चीज़ है जो छुपाए नहीं छुपती है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज जितने लोग यहाँ आए हैं इनमें से सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये शाश्वत जीवन पा लिया है उनके जीवन में प्रभु का प्रेम दिखना चाहिए और उस प्रभु के प्रेम के कारण संगति दिखनी चाहिए। दिखती है क्या? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो किसी से इतना सा नाराज हो जाए, इतना सा नाराज हो जाए तो उस व्यक्ति से इतनी दूरी पर चलेंगे, मील भर दूर से उस व्यक्ति को आते देखा तो मुड़ के जो है अपने घर चले जाएंगे, इस तरह से। ये प्रेम नहीं है, ज्योति में नहीं चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं। इस कारण आज शाम को ये प्रश्न जिन्होंने भी शाश्वत जीवन पा लिया है उन सब से पूछना चाहता हूँ कि आप और मैं जो ज्योति में हैं, जो प्रभु के साथ प्रभु की ज्योति में संगति करते हैं, अपने भाइयों और बहनों के साथ स्नेह करते हैं क्या? उस स्नेह के कारण जो संगति है वो दिखती है क्या? मेरे जीवन में दिखती है क्या? आपके जीवन में दिखती है क्या? और उसके आगे लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लहू पापों से शुद्ध करता है का क्या मतलब है? अपन लोग अक्सर कहते हैं कि शहीदों के खून से या शहीदों के खून के द्वारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे धनी देशों में एक था, आज नहीं है, प्रभु ने मदद की तो 2050 तक दुनिया के सबसे धनी देशों में एक हो जाएगा। लेकिन आज से 2000 साल पहले हिंदुस्तान दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक था। उस समय विदेशी लोग हिंदुस्तान को क्या कहते थे, भारत को क्या कहते हैं मालूम है? उस समय भारत का नाम था सोने की चिड़िया। कहानियों में और कल्पनाओं में सोने की चिड़िया को सबसे सुंदर चिड़िया माना जाता है। आज से 2000 साल पहले दुनिया के लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। परिणाम ये हुआ कि लगभग 2000 साल पहले लुटेरे लोगों ने आकर हिंदुस्तान को लूटना शुरू किया और ये लूट चलता ही रहा। 1947 में हमें इस लूट से आज़ादी मिली। इसी तरह से और इसके बाद हम सब आज़ाद भारत के अंग हैं। आज़ाद भारत के अंग होने के कारण हर भारतीय हमारा भाई है, हर भारतीय हमारी बहन है। उनमें से भी जिन लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है उनके मन में तो ये भावना और अधिक होनी चाहिए
कि हर भारतीय मेरा भाई है, मेरी बहन है, और उनमें जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है उनसे तो मेरा खून का संबंध है। मैं जो बात बता रहा था खून के बारे में है, प्रभु यीशु के खून से हमको कैसे आज़ादी मिली, प्रभु ने मदद की, तो अगले हफ्ते हम उसको विस्तार से देखेंगे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है, 2000 सालों से हमें लूटा पीटा जा रहा था, लेकिन लूटने पीटने के बाद 1857 में भारत में क्रांति की लहर आई, शहीदों ने देश के लिए अपना खून बहाना शुरू किया। लगभग 90 साल तक शहीद वीर क्रांतिकारी लोग अपना खून इस देश के लिए बहाते रहे, इस कारण हमको आज़ादी मिली। तो जब हम कहते हैं कि शहीदों के खून से हमको आज़ादी मिली, तो उसका मतलब ये नहीं है कि काट के खून को कहीं बहा दिया गया उससे आज़ादी मिली, बल्कि उस शहीद ने या इन शहीदों ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमको आज़ादी दी। जब प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो ये भी इसी तरह का एक प्रयोग है। प्रभु ने सूली पर आपके लिए और मेरे लिए अपना जीवन देने के द्वारा हमको शाश्वत मृत्यु से शाश्वत जीवन प्रदान कर दिया है। लेकिन ये शाश्वत जीवन हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपते नहीं हैं, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को पहचाने कि मैं शाश्वत मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, लेकिन शाश्वत जीवन तो यहाँ मेरे सामने दरवाजा खुला हुआ है, मुझे सिर्फ उसमें प्रवेश करने की ज़रूरत है। इस बात को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु ने मदद की तो अगले हफ्ते हम प्रभु यीशु के लहू के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले आज यहाँ से इस सभा से उठने के पहले मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न उन लोगों से है जिन्होंने शाश्वत जीवन में प्रवेश कर लिया है। आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपकी वाणी क्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप वाकई में प्रभु यीशु शाश्वत जीवन पाकर प्रभु यीशु के साथ ज्योति में जी रहे हैं? नहीं तो उसके लिए हम क्या बहाना बना सकते हैं? प्रभु के सामने कोई बहाना नहीं बना सकते। जब अरबपति नगर सेठ पार्टी में आया, उसने पूछा कि अरे भैया यहाँ तो वो आते ही फाटक पे जो है सर्वोत्तम वस्त्र दे दिया जाता है, और तुम नंग धड़ंग अंदर क्यों घुस आए? उसकी बोलती बंद हो गई। वो ये नहीं कह सकता था कि मैं तो गरीब हूँ। क्यों? इसलिए कि जब फाटक पे आते ही नया वस्त्र दे दिया जाता है तो गरीब अमीर का तो फर्क ही नहीं है। कल को जब हम प्रभु के समक्ष खड़े होंगे तब अपने व्यवहार के लिए कोई भी बहाना नहीं बना सकेंगे। जिस तरह से वो बिना वस्त्र या बिना विवाह वस्त्र के या बिना भोज वस्त्र के जो आदमी वहाँ था उसके समान हमारी जुबान बंद हो जाएगी, ऐसा प्रभु करे कि ऐसा ना हो, उसके लिए आज ही हम अपने जीवन में आवश्यक बदलाव कर लें। नंबर दो, जिन्होंने कभी इस शाश्वत जीवन को नहीं पाया है वे अपनी ज़रूरत समझ लें। जब नंगे भूखों को भोजन दिया जाता है तो वही व्यक्ति भोजन को लात मार के अलग हो जाता है जो पागल है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ऐसा ना करें। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।